कोलकाता में ममता बनर्जी की मेगा रैली में बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल हुए। वे सिर्फ रैली में आए ही नहीं बल्कि अपने भाषण में उन्होंने मोदी सरकार पर राफेल, नोटबंदी और जीएसटी के मुद्दे पर तीखे हमले भी किए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की शत्रुघ्न सिन्हा ने जमकर प्रशंसा की। इसके साथ ही साथ खुद को बागी भी करार दिया। पटना साहिब से बीजेपी के सांसद के इस एक्शन पर बीजेपी नेताओं ने पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन करार देते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा पर पार्टी संज्ञान पहले ही ले चुकी है और आने वाले समय में इस मुद्दे पर विचार भी किया जाएगा। जाहिर है कि शत्रुघ्न सिन्हा लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते रहे हैं, जबकि ये बात जगजाहिर है कि वो बीजेपी से ही पटना साहिब से सांसद हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने एक बार फिर से कोलकाता में ममता बनर्जी की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। अब इस मुद्दे पर बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई है। मैं ऐसे लोगों के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कहना चाहूं कि यह पार्टी और जनता के विश्वास के साथ धोखा देने का काम है। राजीव प्रताप रूडी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये लोग बीजेपी सांसद के नाम पर मिलने वाली सुविधाओं का लुफ्त भी लेते रहना चाहते हैं और दूसरे सम्मेलनों में भी शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं कोलकाता में ममता बनर्जी के रैली में शत्रुघ्न सिन्हा के शामिल होने पर बीजेपी आलाकमान में खलबली मच गई है। एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी के योजनाओं के बारे में शत्रुघ्न सिन्हा ने बड़ा हमला बोला है, तो वहीं बीजेपी पर सवाल उठाए। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी की तारीफ भी कर दी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने जीएसटी नोटबंदी पर भी सवाल उठाया और कहा कि देश नोटबंदी से उबरा भी नहीं था कि पीएम मोदी ने जीएसटी थोप दिया, बिना तैयारी के जीएसटी लगा दिया गया। पहले खुद जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने विरोध किया, लेकिन अब उन्होंने जीएसटी लगा दिया। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में राजीव प्रताप रूडी के बयान से ये साफ हो गया है कि बहुत जल्द ही पटना साहिब से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर बड़ी कार्रवाई बीजेपी के आला नेतृत्व के तरफ से ली जा सकती है। द गरम पोस्ट की रिपोर्ट।